नमस्कार, मैं राज और आप देख पा रहे हैं हेलो अलका। जिस तरह की आप जान रहे हैं कि जातीय जनगणना शुरू हो गया है, लाख में लोग बैठे हैं, लाख रोकने के बाद भी आखिर जातीय जनगणना चालू हो गया है। आइए हम जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है अरुणेश यादव जी का। पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जातीय जनगणना किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? धन्यवाद राज जी। जातीय जनगणना जरूरी है देश में। बहुत बवाल हो रहा है अभी कि हम सैटेलाइट पे सैटेलाइट और मोबाइल के जमाना में हम जातीय गिन रहे हैं। बहुत व्यंग है फेसबुक पे या जो लोग व्यंग कर रहे हैं उनको किस बात का आपत्ति है जातीय जनगणना? यही तो जानने के लिए आपसे। देश में बाघ का, कुत्ता का, गाय का, भैंस का, जानवर का, सब चीज का जनगणना होता है, तो इंसान का जातीय जनगणना करने में क्या आपत्ति है उनको? कौन लोग डर रहे हैं? वो वही लोग डर रहे हैं जो झूठ मूठ के अफवाह फैला के बहुजनों को जात पात में बांट के जो राज कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जातीय जनगणना होने के बाद सब लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और एकजुट होके 90% लोगों को, मतलब कि 27% आरक्षण और 10% वाले को 10% पूरा आरक्षण दे दिया, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि जब जातीय जनगणना होगा सब लोगों को अपना पता चलेगा कि हमारी संख्या कितना है, हमारी आबादी कितना है, तो लोग अपने जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की मांग करेंगे, लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। इसलिए वो लोग जो 90% सोचतों वंचितों का जो अधिकार को लूट रहे हैं, उन लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं हम लोग का पोल खुलेगा, इसलिए वो लोग अपना हाय तोबा मचा रहे हैं। अब आपको लगता है कि हमें जात बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ नंबर याद करने की जरूरत है, क्योंकि अब हर जाति को नंबर मिल गया है। वो नंबर मिला, वो कानूनी रूप से जाति जाति का नंबर मिला, लेकिन फिर भी नंबर, जैसे मैं यादव हूँ तो 165 और हम लोग तो पहले से भी लोग 65 कहता था। फिर 65 क्यों कहा जाता है? तो 65 लोग कहता था, हम लोग का नाम दिया, कमेंट किया हम लोग पे, तो सरकार को क्या लगा कि 165 क्यों नंबर दे दिया? वो तो जैसे जो सीरियल नंबर में जाती था उसमें हम लोग 65 आया, मतलब ये संयोग है, संयोग कहिए, सीरियल नंबर मेरा आया 165। लोग बोल रहे हैं हम 65 से 65वां से भी खुश थे और 165 से भी खुश है। सिर्फ हम लोग को चाहिए कि जितना हमारा आबादी है, जितना हमारे शोषित वंचित पिछड़े लोगों का, दलित महादलित भाइयों का जनसंख्या आबादी को सही सही देश के सामने, दुनिया के सामने, हमारे लोगों के सामने आ क्या लगता है? और जो बाहुबली लोग हैं और जो बड़े खेमे में बड़े शक्ति वाले लोग हैं, क्या आपको ये दिला पाएंगे? आपने जातीय जनगणना होने के बाद आपको जो सुनना चाहिए अधिकार, क्या दिला पाएंगे? अब तो रोक है, देखिए ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, ये बाहुबलियों का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ वोट से राजा बनता है और जब हम लोग एकजुट होंगे 90% लोग और वोट देके जिस सरकार को हम लोग चुनेंगे, तो जाहिर है वो सरकार हमारा सुनेगा और अधिकार हमको दिलाएगा। कहीं नहीं कि आपने देखा अभी जातीय जनगणना पे बात हो रही थी और बाकी आप देखते हैं।